हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे की स्पीच माइलस्टोन के बारे में। मेरे पास मेरे एक फॉलोअर का कमेंट आया था इंस्टाग्राम डीएम पर कि उनका बच्चा जो है वो 2 इयर्स का हो गया या होने वाला है, बट वो अभी कुछ बोल नहीं पाता ज्यादा। तो उनको टेंशन है कि बच्चा बोलेगा कि नहीं, कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। और मैंने अपने किसी व्लॉग या वीडियो में शेयर किया था कि मेरा जो पहला बेटा था उसने भी 3 साल पे बोलना शुरू किया था। मतलब डीले में वो काउंट होगा। नॉर्मली बच्चे थोड़ा जल्दी बोल लेते हैं, बट उसने थोड़ा डीले बोला था और हम लोग भी काफी वरिड हो गए थे जो भी था। तो उन्होंने मुझसे मेरी राय पूछी थी कि क्या हुआ था, कैसे था और मैं उनकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो आज का वीडियो उनके लिए और आप सभी पेरेंट्स के लिए जिनके भी बच्चे अभी 2 साल के हो गए बट ज्यादा कुछ बोलते नहीं और आपको भी टेंशन है, तो आज का वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बेसिकली आपके साथ में शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि आपको अपने बच्चे के साथ क्या करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो दोस्तों बच्चा बोलना कब शुरू करता है अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में 3 महीने का बच्चा होता है तभी से वो साउंड क्रिएट करने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बोलता रहता है। तो वहीं से अगर हम स्पेशली मतलब स्पीच की बात करें तो वहां से वो शुरू हो जाता है, एक साउंड क्रिएट होने लगती है। बट एक्चुअल जो आप बोलने की बात कर रहे हैं आई थिंक कुछ वर्ड या कुछ कन्वे करने वाली बात है। हालांकि तभी भी बच्चा कुछ अपनी तरफ से कन्वे कर रहा होता है, बट टू वे कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा कब बोलना शुरू करता है, तो बच्चा जो है ना वो 6 मंथ का होता है ना, उसके बाद से वो थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने लग जाता है। मतलब वो भले ही वर्ड्स ना बोले, लेटर्स ना बोले, बट कुछ वो अपनी आंखों और अपने साउंड के थ्रू आपसे कुछ कन्वे कम्युनिकेट करने लग जाता है। तो वहां से जो बोलने का है ना वो शुरू हो जाता है। लेकिन कई लोग जो होते हैं ना, बच्चा जनरली जो होता है वो 1 साल के बाद बोलता है, 1.5 से 2 साल तक बच्चा बोलना शुरू कर देता है अच्छे से, मतलब अपनी बात कम्युनिकेट कर पाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे 1.5 साल में काफी अच्छे अच्छे से वर्ड्स, काफी सेंटेंसेस भी, छोटे छोटे से सेंटेंसेस कि मम्मा बाय बाय, आ जाओ, इस टाइप के जो सेंटेंसेस छोटे छोटे होते हैं वो बच्चे बोल लेते हैं 1.5 साल के 2 साल के। स्पेशली जो लड़कियां होती हैं मैंने देखा है कि वो जल्दी बोलती हैं, जल्दी एक्टिविटीज अपने माइलस्टोन्स पूरे करती हैं। और जो लड़के होते हैं वो थोड़ा सा लेट कर सकते हैं कि 1-2 महीने का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन मेजरली जो है ना वो 2 साल तक बच्चे जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो 3 साल तक भी बोलते हैं, कम होते हैं, ज्यादातर 2 साल तक बोलने लगते हैं। बट जिनके बच्चे 2 साल तक नहीं बोल पाते हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है, क्योंकि उनको इस बात की बहुत टेंशन हो जाती है। और उनको जितनी हो या ना हो, बट आसपास वाले जो लोग हैं ना वो बोल बोल के उनको टेंशन जरूर देने लगते हैं कि आपका बच्चा बोल नहीं रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्रॉब्लम कब होती है और प्रॉब्लम कब नहीं होती है इसके बारे में हम समझेंगे। हर बच्चा देखिए अलग है, हर बच्चा अलग अलग टाइम पे अपनी माइलस्टोन जो है वो अचीव करता है। बट उसके कुछ ना कुछ आपको हिंट्स ऐसे मिलने लग जाते हैं जब आपको पता चलता है कि अभी बच्चा नॉर्मल पेस पे चल रहा है और अभी बच्चा थोड़ा स्लो है या कुछ प्रॉब्लम है। हर एक चीज का ना आपको हिंट मिल जाता है बच्चे की एक्टिविटीज से। तो वो हिंट हम समझेंगे कि कब आपको चिंता करने की जरूरत है और कब चिंता नहीं करनी है। तो बच्चा जो है जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल तक बोलने लग जाता है, तो उसका मतलब नहीं कि एकदम से बोलने लगे, उसके पहले वो छोटी छोटी चीजें जो है वो बोलना करना शुरू करता है। अब बोलने जब बच्चा बोलता कब है, जब वो सुनता है, सुनते 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 वो उसके दिमाग में आता है फिर वो बोलना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि वो सुनेगा तब वो बोलेगा। तो सुनना जो है वो जब आप बच्चा 1 ईयर का 10 मंथ्स का ऐसे होता है तभी आप उसे छोटी छोटी एक्टिविटीज बोलना शुरू कर देते हो कि बच्चे सिट डाउन, कम हेयर, बाय बाय, फ्लाइंग किस करो या और भी जो एक्टिविटीज आप बोलते हो। जब आप बोलते हो और वो करता है इट मीन्स कि उसने आपकी बात सुनी, समझी और वो बोल तो नहीं पाया बाय बाय, लेकिन वो कुछ एक्टिविटी उसने करी, इसका मतलब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ है। तो ये चीज नॉर्मल है, ये एक हिंट आपको देता है कि आपका बच्चा जो है वो प्रॉपरली सुन रहा है। अगर वो सुन रहा है वो तभी बोल पाएगा, अगर वो सुन नहीं पा रहा है तो वो बोल भी नहीं पाएगा। तो अगर वो 1 साल का बच्चा आपको मतलब आपके आस पास या आपका बच्चा 1 साल का हो गया है और आप उसका नाम जब बुलाते हो, जो भी उसका नाम आपने रखा हो, या वो भले ही उसका नाम नहीं उसे पता हो बट वो दूसरे किसी भी संबोधन से आप उसको जो भी बोलो और उससे वो हमेशा आपको रिस्पॉन्ड करता है, लाइक बाबू बाबू, तो वो बाबू पे सुन रहा है। भले उसका जो नाम आप ले रहे हो वो नहीं समझ पा रहा है, अभी उसने नहीं उसके माइंड में सेट हुआ है, लेकिन बाबू आप उसे हमेशा जब भी बुलाते हो तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। इट मीन्स कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो सुन रहा है, समझ रहा है, बोल नहीं पा रहा है, इट्स फाइन, बट सुन रहा है। तो आपको ये एक सिग्नल देखना है कि बच्चा जब भी आप उससे बोलते हो वो रिस्पॉन्ड करता है। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो बाद में चल के पता चला कि उनकी स्पीच डीले है, लेकिन उनके ये सिम्टम्स मैंने खुद देखे हैं कि वो 1 साल के उनके फर्स्ट बर्थडे पे जब हम गए, हम नाम बोल रहे हैं बट वो नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही जो भी काम वो कर रहे हैं वो ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हम उनका नाम बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी उनको फर्क नहीं पड़ा। ये एक बहुत मेजर हिंट है कि आपके बच्चे को अभी कुछ प्रॉब्लम है स्पीच में या जो भी प्रॉब्लम्स है। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, बट अगर बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप जो उसे सिखा रहे हो वो सीख रहा है, कर रहा है, तो इट्स फाइन। 1 ईयर तक बच्चा अपना नाम समझने लगता है, थोड़ा बहुत हाय बाय ऐसे जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा, जरूरी नहीं कि बाय पूरा बोलेगा, बब्बा
टाटा ऐसे बोलेगा, इट मींस कि वो बोल रहा है, वो उसने बोलना शुरू कर दिया, उसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या होता है ना कि लोगों में कंफ्यूजन क्या है, बोलने का मतलब वो सोचते हैं कि पूरी कहानी बच्चा, अगर एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरे को भी बोलना है, ऐसा नहीं होता। स्पीच मतलब कुछ भी बोल पाना। हम बड़ों में भी कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत जैसे मतलब बहुत कंटिन्यू इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपरली हिंदी भी उनकी उतने अच्छे से उनका बोलने का तरीका, या बोलने बोलते हैं ना कि आपका बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है, लेकिन किसी का नहीं है, वो बोल लेता है, बात कन्वे कर देता है, बट बहुत अच्छे से नहीं बोल पाता है, उसका डिक्शन अच्छा नहीं है, कुछ लोग कुछ वर्ड्स अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। तो ये सारी चीजें बोलने में नहीं, ये सब चीजें तो ठीक है, सबका अलग अलग है, लेकिन बोलने का मतलब वो एक शब्द बोल रहा हो या दो शब्द बोल रहा हो, बोल रहा है इसका मतलब किसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो टाटा बोल रहा है, बाबा बोल रहा है, मम्मा बोल रहा है, तो ठीक है, 1 से 1.5 साल तक में अगर बच्चा ये छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, इसका मतलब कि आज नहीं, थोड़ा हो सकता है स्लो हो, बट वो अच्छे से बोलना शुरू कर देगा। तो 1.5 साल तक अगर आपका बच्चा छोटे छोटे सेंटेंस, मतलब 2 साल तक अगर वो, जैसे अभी यश की मैं बात करूं, तो वो प्रॉपर ऐसे पूरा सेंटेंस नहीं बोलता है कि मम्मी मुझे पानी दे दो, ऐसा नहीं बोलता है, वो बोलता है मम्मा पा दो, मतलब वो एक साथ पानी दे दो पूरा नहीं बोल पाता। अगर पानी बोलेगा तो सिर्फ पानी बोलेगा, और अगर सेंटेंस बोलना है तो वो तोड़ मरोड़ के ऐसे घुमा के बोलेगा, बट जब आप सुनोगे तो आपको साउंड में सुनाई देगा कि वो ये बोल रहा है कि मम्मा पानी दे दो, मम्मा आ जाओ, आप जाओ, बाय बाय, ऐसे करके वो बोलता है। तो ये कोई बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं है, 2 ईयर्स का वो हो चुका है, अभी भी मैं ऐसा मान रही हूँ कि वो थोड़ा सा डीले चल रहा है, बट इट्स फाइन, क्योंकि आरएफ के टाइम पे भी हमने देखा था कि 2 साल तक वो सिर्फ हर एक मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड भी हम अगर बोलते थे ना, तो वो उसका पहला लेटर तुरंत सीख करके तुरंत बोलता था, उसे सिखाना नहीं था, हम कुछ भी बात कर रहे उसमें कोई भी वर्ड हमने बोला तो उसका पहला लेटर वो तुरंत बोल देता था। तो कई बार लोग ऐसा बोलते थे कि ये बोल नहीं रहा है, लेट हो रहा है, डॉक्टर को दिखाओ, ये करो वो करो। मैं पढ़ती थी, मेरे को श्योर था कि ये बोल रहा है, इसमें कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पूरी चीजें सीखता था, उसको जो इंस्ट्रक्शन हम देते थे फॉलो करता था, और वो अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा बोलता था, तो मुझे तो पता था, बट फिर भी मेरे सराउंडिंग में लोगों ने मुझे बहुत ये चीज बोल बोल के स्ट्रेस दिया, और डॉक्टर से भी मिला, मतलब मैं तो ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक दो बार मैं मिली और मैंने उनको बोला ये बात कि ऐसा ऐसा मुझे लोग बोलते हैं, तो डॉक्टर ने भी मुझे ये एडवाइस किया कि लोगों की बातों में मत आओ, क्योंकि लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन हर बच्चा अलग होता है, कुछ बच्चे 2 साल में पूरी कहानी बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे 2.5 साल में बोलते हैं। अगर उसका सिम्टम ही ऐसा है कि वो कुछ बोलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो कुछ बात समझ ही नहीं पा रहा है, तब फिर वो कंसर्न की बात है, तब फिर आपको डॉक्टर से मिलना है, थेरेपिस्ट से मिलना है, वो बच्चे को स्पीच थेरेपी वगैरह देंगे और उससे वो हो जाएगा। तो इसलिए कंसर्न आपको कब करना है, जब आपका बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो अच्छे से आपको लग रहा है कि वो आपकी बात, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश आप उसके साथ में नहीं कर पा रहे हो, तब फिर आपको टेंशन लेनी है। अगर वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है, सेंटेंसेस बोलता है, आप उसे कुछ भी डायरेक्शन देते हो कि ये चीज वहां रख के आओ, वो रख के आ जाता है, पानी लेकर आओ, पापा को बुला के ले आओ, हाथ पकड़ के बुला के लाना है, ऐसे आप उसको बोलो, उसको इंस्ट्रक्ट करो, और जब वो सारी चीजें कर लेगा तो आपको खुद ही अच्छा फील होगा कि बच्चा जो है वो आपकी बात समझ रहा है, सुन रहा है और फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चे क्यों स्लो बोल रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं और क्या आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको एडवाइस करती हूँ। तो देखो, एक तो चीज है कि बच्चा खुद से ही उसका माइलस्टोन, जैसे यश का है, यश ने अपने सारे माइलस्टोन जो है ना वो बिफोर टाइम अचीव किए हैं, हर बच्चे से जो उसके साथ के बच्चे उनसे 1 या 2 महीने पहले ही सारी चीजें कर ली है, लेकिन स्पीच एक ऐसी चीज है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम आगे नहीं है वो, हो सकता है कि नॉर्मल उसके जैसे और भी बच्चे जो नहीं मतलब उतना ही बोलते जितना वो बोलता है, बट वो पूरी कहानी फटाफट वैसे पोएम वोएम सुनाने लग जाए वैसा नहीं है, पोएम भी सुनाता है वो आधी अधूरी ऐसे सुनाता है कि जो जॉब या पापा ऐसे करके बोलता है, जॉनी जॉनी यस पापा, ऐसे पूरा नहीं बोलता है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो कर लेगा, आज नहीं तो कर लेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि 2 साल का बच्चा अगर हो गया है और आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रही है उसकी बातें, वो अपनी बात आपको समझा ले रहा है, कर ले रहा है, तो इट्स फाइन, कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ डिले नहीं है, आराम से हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम की और टेंशन की बात नहीं है। 3 साल तक भी अगर बच्चा पूरा नहीं बोल पा रहा है ढंग से, मतलब स्कूल जाने की एज है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है कि और लोग भी उसकी बात समझ पाए, अभी तो यश क्या है, लोगों के बीच में भी जाता है, वो उनको अपनी बात समझा लेता है, अब जैसे भी वो बोलता है वो लोग समझ जाते हैं। तो ये चीज है कि 3 साल तक का बच्चा अगर हो गया, स्कूल जाने की एज उसकी शुरू हो रही है और वो लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, देन आपको जरूर से डॉक्टर से मिलना चाहिए। इवन 2.5 साल का ही हो गया है और चीजें ऐसी हो रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से मिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने मन में स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लेते हो, बच्चे को स्ट्रेस ट्रांसफर होता है, आपको पता नहीं चलता बट ट्रांसफर होता है, फिर बच्चा स्ट्रेस में आके चीजें और स्लो कर देता है। तो इससे स्ट्रेस मत लो, अगर लग रहा है कि यार गड़बड़ चल रही है तो डॉक्टर से मिलो, वो आपको एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे, चाहिए तो थेरेपी भी दिला दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है देने में, लेकिन स्ट्रेस मत लो, मेरा कहने का बस इतना मतलब है, ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही कि स्ट्रेस मत लो। अब आप कर क्या सकते हो, जब आपको लग रहा है कि बच्चे का एज हो गया 1.5-2 साल का हो गया, तब आप उससे बातें करना शुरू करो। जितना आप उससे बात करोगे और स्लो स्पीड में बात करोगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, ऐसे करके बात करोगे ना, तो वो आपके लिपसिंग को देखेगा।
यश को तो मैं देखती हूँ कि वो ना जब भी कोई बोल रहा होता है तो वो उसको बड़े ध्यान से देखते हैं कि कैसे बोल रहे हैं, और फिर वो बोलने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही मतलब बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, आप जैसे जैसे बोलोगे वो आपको ऑब्जर्व करके वैसे वैसे बोलना शुरू कर देंगे। तो वो बड़ी बड़ी स्टोरी बुक्स जो आती है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनी होती है, स्टोरी कम पिक्चर्स ज्यादा होती है, आप वो बुक्स ला सकते हो, या फिर ऐसे भी जो आपके पास चीजें पड़ी हैं लाइक फ्रूट्स वगैरह है तो आप उनको दिखा सकते हो, ये फ्रूट है, ये एप्पल है, ये बनाना है, सिंपल सिंपल से जो वर्ड्स होते हैं ना वो आप उनके साथ में बोलना शुरू करो। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी, अगर आपका बच्चा अच्छे से नहीं बोल पा रहा है तो उसके साथ में बच्चों जैसे बोलना बिल्कुल भी नहीं है कि तुम क्या चाहिए, मम्म चाहिए, ऐसा लोग करते हैं। एक तो बच्चा वैसे ही ढंग से बोल पा रहा है, ऊपर से आप उसे उल्टी सीधे चीजें बोलोगे तो वो पहले उल्टी चीजें सीधे बोलना शुरू करेगा, फिर वो सीधे पे आएगा। इसलिए बेहतर है कि जो उसका एक्चुअल वर्ड है वही आप बोलो, उसी को धीरे धीरे बोलो, उसी को सीखने दो ना, कि पहले वो पानी है तो पानी नहीं बोल पाएगा, प बोलेगा, फिर धीरे धीरे पा बोलेगा, फिर पानी बोलेगा, ऐसे कर लो। पहले वो मम्मा बोले फिर मम्मा से उसे पानी सिखाओ, उससे बेहतर है आप पहले पानी पे ही जो भी बोलना है उसको आराम से बोले, बोलो पानी। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है शॉर्ट्स में, आप जरूर से देखना। तो इस तरीके से जब आप उसे बोलोगे ना तो वो धीरे धीरे बच्चा जो है वो खुश होता है, इन्वॉल्व होता है और वो सीखने लग जाता है। तो उसके साथ अच्छे से बात करना है और इधर उधर के वर्ड्स उसके साथ में नहीं बोलते, उसको बोलने दो जो वो बच्चा है अपनी तोतली लैंग्वेज में जो भी बोल रहा है बोलने दो, आपको जैसे बोला जाता है आप वैसे उसको बोलिए, तभी वो वही चीजें सीखेगा। एक और चीज की बहुत ज्यादा जब बच्चे टीवी देखते हैं तो टीवी देखना क्या है, एक वन वे कम्युनिकेशन है। बच्चे के साथ जितना कम्युनिकेशन होगा ना, मतलब आप उससे बोलोगे तो उसको जवाब देना होगा अपने मन में कि मुझे इनको आंसर देना है, तब वो बोलने की कोशिश करेगा। लेकिन जब बच्चा बहुत ज्यादा टीवी या मोबाइल देख रहा होता है तो उसको जवाब देने की कोई अंदर से इच्छा नहीं हो रही होती है, उसको तो क्या बस देखने को मिल रहा है, एंजॉय कर रहा है वो, तो जब देखने की बोलने की कुछ इच्छा ही नहीं होगी तो वो एफर्ट्स भी नहीं करेगा। तो वहां पर भी स्पीच डिले का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आपका ये ड्यूटी है कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल तो बिल्कुल ही मत दीजिए, टीवी भी बहुत लिमिटेड रखिए और उसमें भी कुछ इंगेजिंग कंटेंट जो है वो देखिए। और मैं तो आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, अभी फिर से कह रही हूँ कि आप बच्चे के साथ में बैठ के टीवी वगैरह देखिए, उससे क्या होगा कि आप कम्युनिकेशन भी डेवलप करेंगे, प्लस बच्चे को टीवी में जो भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही है, पोएम वगैरह है, नंबर्स है, बॉडी पार्ट्स जो भी उसमें दिखा रहे, तो वहां से वो बच्चा थोड़ा सीखेगा इंटरेस्टिंग वे में, आप रहेगा तो वो कम्युनिकेट भी करेगा, तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी होगा, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन भी होगा, और वो चीजें जो है जैसे बुक से सिखाते हैं वैसे हम टीवी से सिखा सकते हैं। इस तरीके से आप टीवी को यूज करें तो मतलब वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट अगर आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं कम शुरू से ही आपको नोटिस करना पड़ेगा कि 1.5 साल का है अभी भी ढंग से नहीं बोलने की बच्चा कोशिश नहीं कर रहा, वो आपको फील होगा, तो आप टीवी और स्क्रीन जो है वो बंद कर दीजिए और आप खुद फिजिकली चीजें जो है ना आप वो करिए, कम्युनिकेशन क्रिएट करिए। जितना बच्चा कम्युनिकेट करेगा उतना ही वो बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान जब आपसे बात कर रहा होता है ना तो आपको कुछ भी हो आपको जवाब देने की इच्छा होती है तो आप बोलते हो, जब आप टीवी देख रहे हो तो आपको कुछ इच्छा नहीं होती है, आप चुपचाप से देखते रहते हो चाहे कुछ भी आ रहा हो कैसा भी हो, तो वही चीज बच्चों के साथ है। तो टीवी जो है ना वो भी स्पीच डिले में, आजकल टीवी मोबाइल की वजह से भी बच्चे स्पीच डिले का प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी स्क्रीन आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट जो है वो आपको इंटरेस्टिंग 2-3 लाइन की जो पोएम्स होती हैं वो सब बच्चों को सिखाना है। बॉडी पार्ट्स एकदम इजी चीज होती हैं कि ये क्या है, फिंगर है, जैसे वो पूरे आयश जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स बताता है, ये फिंगर है, ये शोल्डर है, आईज है, नोज है, स्टार्ट कर दो। आप 1 साल का बच्चा होता है ना उसके बाद से ही बताना शुरू कर दो, तो पहले वो बोलेगा नहीं ऐसे ही बताएगा, धीरे धीरे वो बताने भी लग जाएगा। तो आईज, नोज, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं और बच्चे को इंटरेस्टिंग भी लगता है क्योंकि वो देख पाते हैं, और आप उसको इंटरेस्टिंग वे में उनसे बातें करते जाओगे तो ये सब चीजें जब आप सिखाओगे तो बच्चे बोलना भी सीखेंगे, समझना भी सीखेंगे, इंस्ट्रक्शंस जो है उनको फॉलो करना भी सीखेंगे, तो ये सारी चीजें होती है। तो आप बच्चों से बात करिए, उनको पोएम, स्टोरीज, बॉडी पार्ट्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें सिखाइए। स्क्रीन टीवी जो है स्क्रीन वगैरह जो है वो अवॉइड करें। इस तरीके से अगर आप करते हैं और बच्चा आपका अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, ऐसा नहीं कि बस एक ही वर्ड पकड़ लिया तो वही बोले जा रहा है, सुन नहीं रहा है आपकी बात, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको मम्मी पापा भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल ही कुछ वर्ड नहीं बोल रहा है, तो फिर आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर एक बार आपको डॉक्टर को जरूर मिलना है। जब भी आप ऐसा नोटिस करें 1 साल के बाद कि बच्चा बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही बात समझ नहीं पा रहा है, तो आपको तब लेट नहीं करना है, तब आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना है। वेट नहीं करना है कि अरे अभी तो 2 साल तक बच्चे बोलते हैं, नहीं, इनिशियली आपको 1 साल में ही समझ में आ जाता है कि बच्चे का स्पीच जो है वो कहीं डिले हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, उसका इंडिकेशन यही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो अगर ऐसा कुछ आपका बच्चा फेस कर रहा है तो आप पहले डॉक्टर से मिलिए,
थेरेपी वगैरह करा लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, थोड़े पैसे खर्च होते हैं, थोड़ा टाइम खर्च होता है, बट सेफर साइड वही है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिकॉशन पे जाइए, क्योर पे मत जाइए बिल्कुल भी। मतलब वही है ना कि आप एकदम छोड़ भी मत दीजिए और एकदम ही पकड़ करके स्ट्रेस भी मत लीजिए, दोनों चीजें मत करिए, बैलेंस बनाइए, ऑब्जर्व करिए, कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है तो एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए, और ओवर स्ट्रेस मत लीजिए। सिर्फ लोगों की बातें सुन करके आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हर किसी की बात सुनिए और उसको एनालाइज करिए। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एडवाइस करते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं कि अरे इन्हें क्या पता, ये तो ऐसी नेगेटिव है, ऐसा भी नहीं सोचना है। कई बार लोग आपको कोई बात बताते हैं ना, तो फिर उसके बारे में आप अपनी रिसर्च करिए, अपने जो आपको ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनसे बात करिए, उनसे समझिए कि यार किसी ने ऐसा बोला है तो उसको क्या, स्ट्रेस नहीं लेना है, समझदार बनना है। ये मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें। कुछ और क्वेरी जो स्किप हो गई होगी इस वीडियो में, ये बस एक दिल से दिल बात कर जो हम बात करते हैं ना उसी तरीके से मैंने वीडियो बनाया है। अगर कुछ क्वेश्चन रह गया है या आपकी और भी कोई एडिशनल क्वेरी है आप कॉमेंट्स में डालना, मैं रिप्लाई करूंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।